नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज ये मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये मैंने मंगवाया फ्लिपकार्ट से, ये चॉपिंग आइटम, ये जो ऑटोमेटिक चॉपर होता है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का, जो वेजिटेबल और फ्रूट चॉपिंग के लिए यूज़ होता है, मोस्टली वेजिटेबल के लिए यूज होता है, ओनियन टमाटो वगैरह इन सब के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और देखते हैं क्वालिटी कैसी निकलती है। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और बिग बिलियन की सेल चल रही थी, तो मुझे ये लगभग 100 रुपीज़ के अराउंड पड़ गया है, 100 या 120-130 रुपीज़ के। जनरली ये 150 या 200 का मिलता है, लेकिन सेल चल रही थी इसलिए मेरे को ये काफ़ी सही प्राइस में पड़ गया है, लगभग 150 के अंडर ही पड़ गया। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 126 रुपीज़ है शायद, हाँ ओके। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, बॉक्स ये दे रखा है, तो इसको साइड में हटाते हैं और देखते हैं हमारा। ये देखिए पैकेजिंग तो एकदम दमदार दे रखी है, देखिए मज़ा आ गया पैकेजिंग देख के। ऐसा लग रहा है कोई महंगा प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये 100 रुपये वाला प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए डबल डबल पैकिंग कर रखा है इन्होंने, ताकि क्योंकि ये प्लास्टिक का आइटम है टूटे ना, मुझे उम्मीद है कि सही होगा। तो ये देखिए इसके स्पेसिफिकेशन दे रखा है, 1299 MRP, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चॉपर है ये, और फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय की तरफ से ये गुजरात वगैरह में बना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग बाय, तो मेड इन, ये लिखा है मेड इन इंडिया, अच्छी बात है, अपने ही कंट्री का प्रोडक्ट है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये देखिए ये रहा हमारा, ये देखो ये रहा, ये कैपेसिटी जैसे उन्होंने मेंशन की थी 750 ml वगैरह कह रहे थे कि कार्ट लेगा, 750 ग्राम तक का, ml नहीं 750 ग्राम तक का, और प्लास्टिक तो काफ़ी हैवी लग रहा है, एकदम मज़ा आ गया क्वालिटी देख के। ये देखिए ये ऐसे घूमता है, ये घूमता है, और ये ब्लेड नीचे दो दे रखा है, ब्लेड वो कटते हैं, और जितना ज़्यादा घुमाओगे इतना खींच के, और इसको मैं अब ये कैसे खुलेगा, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय लिखा हुआ है, अच्छा ये ऐसे खुलता है, ये देखिए। और ये रहा हमारा, ये निकल उकल का जो भी ब्लेड होगा, मुझे लग रहा है स्टील का ही होगा, स्टेनलेस स्टील वगैरह का, वैसे एलॉय देना चाहिए तो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। और ये रहा फंक्शन वगैरह इसकी दे रखी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसमें 2-3 प्याज और 2-3 टमाटर आप डाल के आराम से काट सकते हैं, तो 100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी यूटिलिटी हो जाएगी, प्याज वगैरह में तो काफ़ी सही हो जाएगी, जो आप अगर उनको और भी थिन लेयर वगैरह उसके जो भी चॉप करना चाहते हैं मिनिमम साइज़ में, तो काफ़ी सही है। तो इसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ, और ये रहा फिर से एक बार मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लेड देखो कैसे अंदर घूम रहा है, काफ़ी सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।